नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डी एस मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो बी एस सी पार्ट सेकेंड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। ये जो लेक्चर है ये डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर फर्स्ट का 24th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम उन अवकल समीकरणों को सॉल्व करेंगे जो कि कैसे हैं, जो कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब है इस लेक्चर के अंदर हम उन अवकल समीकरणों के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे जो कि कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और जिनका ऑर्डर कितना है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री। ठीक भाई, तो हम उन एग्जैक्टनेस के रिलेटेड जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे, जिनमें से आपके एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जो कि क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर जीरो। ठीक है भाई, ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। कौन सी एक्साइज चल रही है, ये आपकी एक्साइज चल रही है फर्स्ट जी। ठीक है भाई, कौन सी चल रही है, फर्स्ट जी का एग्जाम्पल फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम आपको बताएंगे कि नए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ से क्या बताना है कि सबसे पहले चेक करना है कि किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए चूंकि या फिर चूंकि दी गई अवकल समीकरण दी गई अवकल समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो रूप की, दी गई अवकल समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो रूप की समीकरण। ठीक है भाई, कैसी अवकल समीकरण है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई रूप की। ठीक है, जहां पर जहां जहां m का मान कितना है, जहां m का मान है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक भाई, m का मान कितना है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तथा n का मान है माइनस इंटू वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक भाई, जहां पे m का मान कितना है, m का मान है x प्लस वाई का होल स्क्वायर और n का मान है माइनस इंटू वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपको चेक करना है डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको इसको ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एग्जैक्ट है या नहीं है, तो एग्जैक्टनेस की कंडीशन को चेक कर आपको चेक करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। तो एग्जैक्ट के चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टनेस की कंडीशन देखनी पड़ेगी कि वह एग्जैक्टनेस की कंडीशन का पालन करता है या नहीं है। ठीक है, तो एग्जैक्टनेस की कंडीशन क्या होती है कि डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर सॉरी डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स। ठीक है, देखिए डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या होगी, डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू होगी यहाँ पे टू इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, जबकि डेल एम अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी होगी, डेल एम अपॉन डेल एक्स की वैल्यू होगी टू एक्स प्लस टू वाई बराबर टू इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ से आप देखते हो दिस इंप्लाइज डेल एम अपॉन डेल वाई किसके बराबर है, डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर है डेल एन अपॉन डेल एक्स। अतः दी गई अवकल समीकरण कैसी है, अतः दी गई अवकल समीकरण कैसी अवकल समीकरण है, दी गई अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण। ठीक भाई, कैसी अवकल समीकरण है, यथार्थ अवकल समीकरण है। ठीक भाई, कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि ये किसी कौन सी कंडीशन का पालन कर रही है, एग्जैक्टनेस की कंडीशन का पालन कर रही है, मतलब यथार्थता के प्रतिबंध को संतुष्ट कर रही है। ठीक है, जो कि प्रतिबंध क्या है, डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स। अब एग्जैक्टनेस की कंडीशन का पालन करते हैं तो सॉल्व कैसे करना है वो देखिए। ठीक है, सबसे पहले आपको आपको करना क्या है, फर्स्ट स्टेप के अंदर या फिर आप इसको ऐसे कर दो, अतः इस अवकल समीकरण का हल निम्न चरणों में ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अतः इस अवकल समीकरण का हल, अतः इस अवकल समीकरण का हल, अतः इस अवकल समीकरण का हल निम्न चरणों में ज्ञात किया जाता है। ठीक भाई, निम्न चरणों में ज्ञात किया जाता है। ठीक भाई, निम्न चरणों में ज्ञात किया जाता है या फिर निम्न प्रकार ज्ञात किया
जाता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट स्टेप में करना क्या आपको, फर्स्ट स्टेप स्टेप में आपको एक फंक्शन फाइंड आउट करना है यू ऑफ एक्स वाई, जिसको किस प्रकार से फाइंड आउट करना है, फर्स्ट में आपको फाइंड आउट करना है यू ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या होती है, यू ऑफ एक्स वाई बराबर होता है इंटीग्रेशन एम डी एक्स, क्या मतलब है, एम का आप एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए, जहाँ पे वाई क्या है कॉन्स्टेंट है, तो आपको जो फंक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा यू ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो एम की वैल्यू रिप्लेस कीजिए, एम की वैल्यू क्या आएगी, एम की वैल्यू यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे एम की वैल्यू रिप्लेस कीजिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। और एक बात, और यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो यहाँ पे वाई क्या है, यहाँ पे वाई बिहेव कर रहा है कॉन्स्टेंट की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे वाई कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बाई थ्री। ठीक है भाई, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बाई थ्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये किसकी वैल्यू आ गई, ये तो आ गई वैल्यू यू की। अब सेकेंड स्टेप में करना क्या है, U का आपको डिफरेंशिएशन करना है, किसके साथ एक y के सापेक्ष आपको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू देखिए क्या है, U का y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करो तो क्या आएगा, देखिए जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x का y का होल क्यूब तो 3 x का y का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर x का y का करते हैं तो x का आएगा 0 और y का आएगा 1, तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर x का y का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, डेल यू अपॉन डेल वाई किसके बराबर होगा, x का y का होल स्क्वायर बराबर। थर्ड स्टेप में करना क्या आपको, थर्ड स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है भाई, थर्ड स्टेप में करना क्या है आपको, डेन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टेन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप देखते हो तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, टू एक्स वाई से टू एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू जाएगी माइनस टू वाई स्क्वायर। ठीक है, एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस टू इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसके पश्चात देख करना क्या आपको, इसके पश्चात अब आपको फोर्थ स्टेप के अंदर आपको एक फंक्शन फाइंड आउट करना है, जो कि कौन सा फंक्शन है, यू एक्स वाई। ठीक है, फोर्थ स्टेप के अंदर क्या करना है आपको, एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई का आपको वाई के साथ इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, फंक्शन वी ऑफ वाई आता है, यहाँ पे वी ऑफ वाई की वैल्यू क्या होगी, एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई का आप वाई के साथ इंटीग्रेशन करो, जो वैल्यू आएगी वो किसके आएगी, फंक्शन वी ऑफ वाई की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है, माइनस टू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, वाई स्क्वायर का वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस वाई क्यूब की वाई क्यूब अपॉन थ्री, तो ये हो जाएगा माइनस टू अपॉन थ्री इंटू वाई क्यूब, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई वी ऑफ वाई की। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से इसको तो मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर वन और इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू से आप क्या लिख सकते हैं, ए यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस बी ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, सी। ठीक है, दैट मीन्स एक्स प्लस वाई का होल क्यूब अपॉन थ्री माइनस टू अपॉन थ्री इंटू वाई की पावर सी बराबर सी। ठीक है, ये सब का डिनोमिनेटर का क्या होगा, एक्स प्लस वाई की होल पावर थ्री अपॉन थ्री माइनस टू वाई क्यूब अपॉन थ्री बराबर सी होगा। ठीक है, अब उसके पश्चात ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया, उसके पश्चात आपके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर थर्ड देख लीजिए, थर्ड के अंदर आपको करना क्या है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड कैसे सोल्व होगा, आपको करना कुछ नहीं है, एग्जैक्टनेस की कंडीशन चेक करो कि वो यथार्थ है या नहीं है, है तब आप ये चारों प्रोसेस अपना, और जो नहीं है उनका भी हम आपको मैटर बताएंगे, नेक्स्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगे वो कैसे सोल्व करना है, जो कि एग्जैक्ट नहीं है वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो आप देखिए नेक्स्ट आपका आता है एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखिए क्या है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई बराबर ए स्क्वायर इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है,
या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले इसके इस ये जो टर्म है इस टर्म को राइट हैंड साइड में लेके आओ, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओ और dx के साथ dx के ऑप्शन को एक साथ कंबाइन करो और dy के ऑप्शन को एक साथ कंबाइन करो और राइट हैंड साइड को क्या बोलते जीरो के बराबर लेते। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है, x dx प्लस y dy माइनस a स्क्वायर x इंटू dy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जीरो। ठीक है, अब करना क्या है आपको, डी एक्स के ऑप्शन को एक साथ लिखना है और डी वाई के ऑप्शन को एक साथ लिखना है। डी एक्स के ऑप्शन क्या क्या हो जाएंगे, डी एक्स हो जाएंगे एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस डी वाई के ऑप्शन कौन कौन से हैं, वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ठीक है, अब देखो आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख दिया है किस रूप में, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के एंड एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो के रूप में लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे एम की वैल्यू तो ये रही और एन की वैल्यू ये रही। ठीक है, तो आप लिख सकते हो जो कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो रूप की अवकल समीकरण। ठीक है, जो कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो रूप की अवकल समीकरण है, जिसका समीकरण है या फिर आप लिखिए जहां एम की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये एम और एन की वैल्यू होगी। अब करना क्या आपको, अब आपको एग्जैक्टनेस की कंडीशन देखिए, एग्जैक्टनेस की कंडीशन का पालन करती है या नहीं करती डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जैक्टनेस की कंडीशन क्या है, डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एम अपॉन डेल एक्स, दैट मींस एम का तो वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होगा पार्शियली और एन के एक्स के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, देखो क्या दोनों के दोनों बराबर है या नहीं। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, डेल एम अपॉन डेल वाई क्या आएगा वो देखिए, डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर वाई आई देखिए रहने दो और इसका करते हो एक्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा इंटू माइनस का टू वाई। ठीक है भाई, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा टू वाई हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया क्या ए स्क्वायर वाई इंटू माइनस टू वाई। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लो, एलसीएम क्या रहा है दोनों का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भाग इसके अंदर तो क्या आ रहा है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है माइनस टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर वाई स्क्वायर में से माइनस टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना बचा, ये बचा माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसकी वैल्यू, डेल एन अपॉन डेल वाई। अब आगे डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू देखो, डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर ये हो जाएगी प्लस ए स्क्वायर सॉरी माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू माइनस का टू एक्स। ठीक है, कहने का मतलब है तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर का करोगे तो हर तो एलिटी रहेंगे आंसर करते तो क्या है वन एक्स का कितना वन और साथ में क्या मल्टीपल है कॉन्स्टेंट टू माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर हाफ अंश का एलिटी रहेंगे हर का करो तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का टू एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर रहेगा तो इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों का एलसीएम लेते हो तो एलसीएम लेने के लिए आ रहा है
एलसीएम में निकाल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या टर्म आएगी, यहाँ पे आएगी माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ रही है यहाँ से कितनी, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा डेल एन अपॉन डेल एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आप डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल दोनों की वैल्यू सेम है, तो आप क्या लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर है डेल एन अपॉन डेल एक्स, ठीक है। अतः दी गई अवकल समीकरण, अतः दी गई अवकल समीकरण कैसी अवकल समीकरण है, यथार्थ अवकल समीकरण, दी गई अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण है, ठीक है भाई। कैसी अवकल समीकरण है, यथार्थ अवकल समीकरण। आप देखिए कैसे सोल्व करना है इसको, इसको सोल्व करने के वही चार मेथड और चार स्टेप है। पहले स्टेप के अंदर करना है आपको यू ऑफ एक्स वाई फंक्शन फाइंड आउट करना है, जो कि किस क्या होगा, जो कि बराबर होगा इंटीग्रेशन एम डी एक्स के। एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू है यहाँ पर एम की वैल्यू है एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए क्या आ रहा है, एम की वैल्यू है एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है भाई। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है इसके रेस्पेक्ट में, जहाँ पे y क्या है कॉन्स्टेंट, तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है। x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई टू होगा, y क्या है कॉन्स्टेंट, तो ये स्क्वायर y क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर y हो जाएगा कॉन्स्टेंट, ठीक है। फिर वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो x के रेस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन करने पे क्या आ रहा है, यह आ रहा है वन अपॉन वाई इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, ठीक है। ये u of x y की वैल्यू आ जाएगी। अब करना क्या है सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में आपको u का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। u का क्या करना है, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो देखिए क्या आ जाएगा, डेल u अपॉन डेल y बराबर डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन एम डी एक्स, ठीक है। तो डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन एम डी एक्स की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन एम डी एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, ठीक है। तो देखो इसका वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, इसका तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू का जीरो, क्योंकि यहाँ पे वाई की कोई टर्म नहीं एग्जिस्ट की, ठीक है। मतलब ये क्या एक्चुअली में कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं ए स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, किसका वो डिफरेंशिएशन tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई का, तो क्या आ रहा है ए स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर एक्स अपॉन वाई का करते हैं, एक्स अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स कॉन्स्टेंट है वाई का होगा माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। यहाँ से ऐसे हम लोग कैल्शियम लेने पर क्या आ रहा है वाई स्क्वायर, तो ये कम्प्लीटली हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, डेट मीन ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर वाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है भाई। ये किसकी वैल्यू आ जाए, आगे ये वैल्यू आ गई आपकी डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई डेल यू अपॉन डेल वाई की। अब इसको किस में से लेस करना है, इसको लेस करना है आपको एन माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स एन एन में, ठीक है भाई। क्या मतलब है, थर्ड स्टेप के अंदर करना क्या है, एन में से आपको क्या लेस करना है डेल यू अपॉन डेल वाई। तो एन की वैल्यू है आपकी वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एन की वैल्यू तो है आपकी वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद डेल यू अपॉन डेल वाई वैल्यू रिप्लेस करो, ये क्या माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो माइनस से मल्टीप्लाई होते क्या जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या शेष बचेगा, टोटल शेष बचेगा वाई, ठीक है। एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी वाई। अब इसका क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है वाई के रेस्पेक्ट में, तो एक नया फंक्शन आएगा
जो कि क्या है बी ऑफ वाई, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप में सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, बी ऑफ वाई बराबर इंटीग्रेशन एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है, एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू है वाई। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन वाई डी वाई, वाई का इंटीग्रेशन वाई के एस्पेक्ट में क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई बी ऑफ वाई की। दैट मीन्स इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा अतः अवकल समीकरण का हल, अतः अवकल समीकरण का हल क्या हो जाएगा, अवकल समीकरण का हल u ऑफ एक्स वाई प्लस बी ऑफ वाई बराबर सी होगा। दैट इज एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई टू बराबर सी। ये क्या होगा, ये इस अवकल समीकरण का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब उसके पश्चात एग्जाम्पल फोर आप खुद कर लेना। अब इसके पश्चात नेक्स्ट देखिए आप आपका क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर देखिए नेक्स्ट आपका। चार एग्जाम्पल है, दो मैंने करा दी, बाकी दो आप खुद कर लेना, ठीक है। अब उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है जो कि आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर है ई की पावर वाई प्लस वन इंटू कॉस एक्स बी एक्स प्लस ए की पावर वाई इंटू साइन एक्स डी वाई बराबर जीरो, ठीक है। ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर फोर है, ठीक है। तो आप देखते हो ये कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये फर्स्ट टोटल फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक भाई, जहाँ पे एम के जिसका रूप क्या है, जिसका रूप एम डी एक्स एम डी वाई बराबर जीरो रूप का है, जहाँ पे एम की वैल्यू ए की पावर वाई प्लस वन इंटू कोस एक्स है और एम की वैल्यू ए की पावर वाई इंटू साइन एक्स है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले एग्जैक्टनेस की कंडीशन को चेक करना है, क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आया, ठीक है। तो देखिए दी गई अवकल समीकरण, दी गई अवकल समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो रूप की है, ठीक भाई। दी गई अवकल समीकरण क्या, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो रूप की है, जहां जहां एम क्या है, जहां एम ए की पावर वाई प्लस वन इंटू कॉस एक्स, ठीक है, और n क्या है, n है e की पावर y इंटू साइन x, ठीक है। तो ये आपके m और n की वैल्यू, ठीक है। अब देखो क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x स्क्वायर। तो डेल m अपॉन डेल y देखो क्या आएगा, डेल m अपॉन डेल y आएगा cos x स्क्वायर, जो ठीक है कांस्टेंट है e की पावर y प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है e की पावर y, तो ये हो जाएगा e की पावर y इंटू cos x। इसी प्रकार डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या, डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू होगी ए की पावर वाई इंटू कॉस एक्स, ठीक है। आप देखते हो दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है भाई, दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू सेम है। दैट मीन्स आप क्या कर सकते हो, आप ये कह सकते हो कि डेल एन अपॉन डेल वाई बराबर डेल एक्स, डेल एन अपॉन डेल एक्स है, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक भाई। अतः अवकल समीकरण, अतः अवकल समीकरण यथार्थ यथार्थ अवकल समीकरण, ठीक है। दी गई अवकल समीकरण कैसी है, यथार्थ अवकल समीकरण, ठीक है। अतः अवकल समीकरण कैसे हो सकते हैं, यथार्थ अवकल समीकरण। इसका सोल्यूशन आपको कितने पार्ट में फाइन फाइनल करना है, चार भागों में फाइन आउट करोगे, ठीक है। क्यों, कैसे, सबसे पहले क्या फाइन आउट करोगे आप, एक फंक्शन फाइन आउट करोगे यू ऑफ एक्स वाई, जिसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी इंटीग्रेशन एम डी एक्स के बराबर, ठीक है। इसकी वैल्यू होगी इंटीग्रेशन एम डी एक्स के बराबर। अब देखो इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन एम डी एक्स के बराबर है, तो मतलब करना क्या है, एम का एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन करो, जहाँ पे वाई क्या है कांस्टेंट वो, ठीक है। तो जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, फंक्शन ही वो एक्स में आएगी, ठीक है। तो एम की वैल्यू देखो क्या है, यहाँ पे एम की वैल्यू है ई की पावर वाई प्लस वन इंटू कॉस एक्स, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। अब आपको पता है ए की पावर वाई प्लस वन क्या है, ए की पावर वाई प्लस वन यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, ठीक है। ए की पावर वाई प्लस वन क्या है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, और कॉस एक्स का समाधान क्या होता है एक्स के एक्सपेक्ट में,
एक्स के रेस्पेक्ट में कॉस एक्स का समय होगा साइन एक्स, ठीक भाई। दैट मीन्स यू ऑफ एक्स वाई किसके बराबर आएगा, यू ऑफ एक्स वाई आएगा ए की पावर वाई प्लस वन इंटू साइन एक्स के बराबर, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन हो गया यू ऑफ एक्स वाई। सेकेंड स्टेप में करना क्या है, इस फंक्शन यू ऑफ एक्स वाई का आपको क्या करना है, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक भाई। यानी मतलब यू का पार्शियली वाई के साथ डिफरेंशिएशन करो, ये डेल अपॉन डेल वाई जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई किसके बराबर होगा, यू का डेल अपॉन डेल वाई बराबर डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन एम डी एक्स, ठीक भाई। इंटीग्रेशन एम डी एक्स की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन एम डी एक्स की वैल्यू है ए की पावर वाई प्लस वन इंटू साइन एक्स, ठीक भाई। ए की पावर वाई प्लस वन इंटू साइन एक्स, ये हो जाएगा ए की पावर वाई प्लस वन इंटू साइन एक्स। अब इसका क्या करो, आप वाई के रिस्पेक्ट में मानते हो अवकलन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए की पावर वाई साइन एक्स, ठीक भाई। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ए की पावर वाई साइन एक्स के बराबर हो जाएगी, ठीक है। थर्ड स्टेप में करना क्या है, थर्ड स्टेप के अंदर आपको एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक भाई। थर्ड स्टेप के अंदर करना क्या है, एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एन की वैल्यू क्या है, ए की पावर वाई कोस एक्स, सॉरी एन की वैल्यू तो क्या है, एन की वैल्यू तो है आपकी ई की पावर वाई साइन एक्स, ठीक है भाई। एन की वैल्यू क्या है आपकी, ई की पावर वाई साइन एक्स है, ठीक है भाई। एन की वैल्यू की पावर वाई साइन एक्स है और डेल अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है, ई की पावर वाई साइन एक्स है। दैट मीन्स ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ई की पावर वाई माइनस साइन एक्स माइनस ई की पावर वाई इंटू साइन एक्स बराबर जीरो बराबर, ठीक है। दैट मीन्स इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी जीरो के बराबर। फोर्थ स्टेप में करना क्या है, फोर्थ स्टेप में आपको वी ऑफ वाई फंक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो कि किसके बराबर है, जो कि एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई का, वाई के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करते हो तो जो वैल्यू आती है वो किसकी वैल्यू आती है, फंक्शन वी ऑफ वाई की। अब इसकी वैल्यू टोटली जीरो, डेट मीन्स वी ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, वी ऑफ वाई की वैल्यू है जीरो के बराबर, ठीक है। वी ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, वी ऑफ वाई की वैल्यू है, सॉरी वी ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, वी ऑफ वाई की वैल्यू इंटीग्रेशन जीरो ऑफ डी वाई के बराबर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी वी एफ वाई की जीरो के बराबर, वी एफ वाई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अतः अवकल समीकरण का हल, अतः अवकल समीकरण का हल, अतः अवकल समीकरण का हल क्या होगा, अवकल समीकरण का हल होगा यू ऑफ एक्स वाई प्लस वी ऑफ वाई बराबर सी, ठीक है। That is, ये कितना होगा, ये होगा आपका e की पावर y प्लस वन इंटू साइन एक्स बराबर c, ठीक है। इस अवकल समीकरण का हल क्या होगा, e की पावर y प्लस वन इंटू साइन एक्स बराबर c, ठीक है। तो आपके एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता हुआ, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको इसके जो भी क्वेश्चन शेष हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सभी सोल्व करवाएंगे और उसके पश्चात हम आपको नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट एच, ठीक है भाई, नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे वो कैसे होंगे, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। तो आज का जो लेक्चर है, लेक्चर ये कंप्लीट होता हुआ, धन्यवाद।